आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को कुछ हद तक राहत मिली है। दरअसल पिछले कुछ समय से खाने के तेल की कीमतें आम आदमी को रुला रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर तेल की कीमत में कटौती हो रही है। हाल ही में अडानी विल्मर ने खाद्य तेल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर तक की कमी कर दी है। आगे भी कीमतों में कटौती हो सकती है। अडानी विल्मर ने 1 लीटर के फॉर्चून रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की कीमत 220 रुपए लीटर से घटाकर 210 रुपए लीटर कर दी है। कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि 1 लीटर के सरसों के तेल की कीमत भी अब 205 रुपए की जगह 195 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा जेमिनी एडिबल एंड फैट्स ने भी 1 लीटर वाले सनफ्लावर के तेल के पैकेट पर 15 रुपए कम कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी आगे भी कीमतों में कटौती कर सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के पाम ऑयल से इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने के बाद खाद्य तेल की कंपनियों ने भी दाम घटाया है। कंपनियों ने कहा है कि हमें जो फायदा मिल रहा है वह हम ग्राहकों को भी देना चाहते हैं। पाम ऑयल की आपूर्ति कम होने की वजह से खाने के तेल की कीमतों में बम्पर उछाल देखने को मिला था। बताया जा रहा था कि भारत सरकार इंडोनेशिया को गेहूँ एक्सपोर्ट करेगा और उसके बदले पाम ऑयल वहाँ से इम्पोर्ट करेगा। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में खाने के तेल की कीमत में गिरावट हो सकती है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।